लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले, कैसा था श्रद्धा का शूटिंग एक्सपीरियंस? क्या हिंदी वो लेते हैं प्रभास? कैसी थी श्रद्धा कपूर की जर्नी? नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज़ में। फिल्म इंडस्ट्री में किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई एक दूसरे से मिलता ही रहता है, कभी फिल्म के बहाने तो कभी दोस्ती निभाने, और कुछ ऐसे ही बात हुई है। प्रभास टॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं और श्रद्धा कपूर जो बॉलीवुड इंडस्ट्री की ब्यूटी क्वीन हैं, दोनों पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर साथ आए और दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि क्या ही कहने। दोनों के बीच में भाषा को लेकर प्रॉब्लम तो होती ही है, क्योंकि एक है हिंदी और दूसरा तेलुगु, लेकिन दोनों की फीलिंग्स को सिर्फ अंग्रेजी भाषा ही समझ सकती है। जब साहो फिल्म रिलीज़ हुई तब से लेकर अभी तक श्रद्धा और प्रभास की ही बातें चल रही हैं। इसी बीच प्रभास के बारे में श्रद्धा ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आप भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे, तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान श्रद्धा से पूछा गया था कि आप पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रभास के साथ काम कर रही हैं? उन्होंने खूबसूरती से जवाब दिया और कहा कि हो सकता है कि प्रभास का ही असर हो, और ये सुनकर तो रिपोर्टर को झटका ही लग गया दोस्तों। हालांकि उन्होंने अपनी साहो की जर्नी के बारे में भी बात की है। उन्होंने कहा है कि फिल्म के दौरान उन्हें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला था, यहाँ तक कि उन्हें सेट पर बेहद प्यार भी मिला है, जिसकी वजह से वह बेहद ही खुश हुई थी, और उनकी टॉलीवुड की जर्नी भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रही है। वैसे प्रभास की हिंदी को लेकर आपका क्या कहना है दोस्तों? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो हिंदी लिख सकते हैं और पढ़ भी लेते हैं, लेकिन बोलने में थोड़ी परेशानी होती है। पंजाब की के सिर्फ 3-2 ही शब्द जानते हैं, लेकिन प्रभास को पंजाबी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पूरी तरह से शाकाहारी हूँ। यहाँ तक कि प्रभास की तारीफ करते हुए श्रद्धा कपूर ने यह भी कहा है कि मैं ऐसे एक्टर से कभी भी नहीं मिली हूँ और ना ही साथ में काम किया है। प्रभास के साथ काम करने की बात एकदम ही अलग है। प्रभास बेहतरीन कलाकार के साथ एक शानदार इंसान भी है, और श्रद्धा की बातों से तो ये साफ क्लियर हो गया है कि प्रभास सबसे अलग है। ये सब सुनकर तो पार्ट 2 की एक्साइटमेंट बढ़ ही गई है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या श्रद्धा कपूर पार्ट 2 में भी नज़र आती हैं, और क्या उन्हें उतना ही प्यार मिलेगा मेकर्स की तरफ से। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मिलेगा श्रद्धा कपूर को प्यार? हमें अपने कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।